नमस्कार, जय हिंद। आई सिंधी चैनल से मैं हूं प्रदीप। डेली करंट अफेयर्स की सीरीज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इसका पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। साथ ही चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। इसमें हमारा पहला टॉपिक है, पटना को उत्तर बिहार से जोड़ने वाला 4 लेन ब्रिज निर्माणा धीन है। ठीक है, ये पटना को नॉर्थ बिहार से जोड़ेगा। इसकी टोटल कॉस्ट कितनी आएगी तो 2,926.42 करोड़ रुपए। बीपीएससी का कोई भरोसा नहीं होता, वो एग्जैक्ट ये वैल्यू भी पूछ सकता है या लगभग में दे देगा, तो लगभग 3,000 करोड़ रुपए इसकी कॉस्ट आएगी। इसका उद्घाटन कब किया गया था? 21 सितंबर 2020 को किया गया था। किसके द्वारा? तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इस पुल का शिलान्यास किया गया था। उद्घाटन अलग होता है, शिलान्यास अलग होता है। उद्घाटन का मतलब जो पुल बन के तैयार हो जाएगा, जब उस पर गाड़ियों का आवागमन सुचारू रूप से संचालित होने लगेगा जिस दिन से, उसे कहा जाता है उद्घाटन। और शिलान्यास का मतलब क्या है कि अब उसका निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। ठीक है, उस दिन उसको बोला जाता है शिलान्यास। तो हमारे मोदी जी ने इसका शिलान्यास किया था। ठीक, यहाँ पर एक पुल के बारे में और बताया गया, महात्मा गांधी सेतु। ठीक है, ये जो महात्मा गांधी सेतु है, आपको पता होगा ये गंगा नदी पे बना है और ये उत्तर बिहारियों के लिए एक लाइफ लाइन है। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर देखें तो ये जो पुल अभी बन रहा है वो लगभग 2024 में इसका निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा। इस पर 4 लेन का पुल है और 8 लेन तक इसमें जो पहुंच पथ है उसका निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। क्लियर। इस कंपनी को इस पुल को कौन बना रहा है? तो SP सिंगला प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इसको बना रही है। 25 मार्च को इस पुल का निर्माण कार्य जो है वो शुरू हो गया है। 42 महीने लग जाएंगे इस पुल को बनाने में। क्लियर, आगे चलते हैं। जल जीवन मिशन के बारे में है। 2021-22 के लिए राज्यवार योजना अभ्यास शुरू हो चुका है। ये जो जल जीवन मिशन है ये किस मंत्रालय की योजना है? तो ये मंत्रालय है जल शक्ति मंत्रालय। ठीक है, इसने कहा कि अब राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ वार्षिक योजना अभ्यास शुरू किया जाएगा जल जीवन मिशन को लेकर के। ठीक है, यहाँ पर देखिए तो यह जो अभ्यास है पेयजल और स्वच्छता विभाग के सचिव की अध्यक्षता में एक समिति के द्वारा किया जाएगा और यह प्रतिदिन 2 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों पर काम करेगी। ठीक है, थोड़ा सा हम देख लेते हैं यहाँ पर जल जीवन मिशन के बारे में। क्या है जल जीवन मिशन? इसकी शुरुआत कब की गई थी? 2019 में इसकी घोषणा की गई थी। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है कि 2024 तक भारत में हर घर में कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन प्रदान करना। मतलब पाइप के द्वारा, आप देखते हैं ना शहरों में जो पाइप के द्वारा सभी के घर में पानी का कनेक्शन होता है, उसी तरीके से अब गांवों में या भारत के हर घर में क्या होगा, यहां पर घरेलू नल कनेक्शन प्रदान किया जाएगा और हर व्यक्ति प्रति व्यक्ति के लिए प्रतिदिन 55 लीटर पानी की आपूर्ति करने की यहाँ पर परिकल्पना की गई है। तो इसे ही कहा जाता है जल जीवन मिशन। जल जीवन मिशन में केवल यही बातें शामिल नहीं है, जल जीवन मिशन के तहत जल का संरक्षण भी शामिल है। और यहाँ पर जो बारिश की हर एक बूंद है उसको बचाना, उसको संरक्षित करना और उसको वापस पृथ्वी के गर्भ में पहुँचाना, ताकि क्या हो, जो ग्राउंड वाटर लेवल है वो इतना, आपको पता है कि ग्राउंड वाटर लेवल कितना तेज़ी से नीचे जा रहा है, तो उस जल का संरक्षण किया जा सके और ग्राउंड वाटर लेवल को कम होने से बचाया जा सके। ये सारी चीज़ें उसमें शामिल हैं। आगे चलें, GDP के अनुपात में भारत का कर्ज बढ़ करके 90% हो गया। GDP क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। किसी एक वित्त वर्ष में, किसी भी वित्त वर्ष में उस राष्ट्र में उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य क्या कहलाता है? GDP कहलाता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब यहाँ पर एक कई कॉन्सेप्ट आते हैं, GNP, NNP, NDP। ठीक है, तो अभी हम इतना डिटेल नहीं देखेंगे, बस GDP याद रखिए। अब यहाँ पर एक चीज़ और है, GDP के अनुपात में भारत का जो कर्ज है बढ़ करके 90% हुआ। मतलब टोटल अगर हमारी GDP 100 है तो उस GDP और भारत के ऊपर जो कर्ज है, तो अगर इसको दोनों को मैच करेंगे तो हमारी GDP का मतलब 100 का 90% क्या है, कर्ज ही है। ठीक है, मतलब हमारी GDP 100 की है लेकिन और हमारे ऊपर कर्ज कितना है, 90 रुपये कर्ज है। तो यहाँ पर ये 90% हुआ सीधा सीधा हमारी GDP का। तो इसी बात को IMF ने बोला, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने बताया कि पहले जो इंडिया के ऊपर कर्ज था वो 74% था GDP के रेशियो में, लेकिन COVID-19 की वजह से ये जो
कर है वो सॉरी ऋण है वो 90% तक पहुंच गया। ठीक है, क्योंकि COVID-19 में सरकार को बहुत सारे क्षेत्रों में मुख्यतः स्वास्थ्य के क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट करना पड़ा और इसके लिए सरकार ने विश्व बैंक, IMF यहाँ से सरकार को लोन भी मिला। तो इस वजह से जो टैक्स है जो ऋण है वो बढ़ करके कितना हो गया, 90% हो गया। ठीक है, और यहाँ पर IMF ने बताया कि 2021 में ये बढ़ करके जो ऋण है वो कितना हो जाएगा, 99% हो जाएगा। ठीक है, और लेकिन IMF ने कहा कि आर्थिक सुधारों के बाद यह घट करके कितना हो जाएगा, 80% तक हो जाएगा। अब देखिए, कोरोना की दूसरी लहर जो इंडिया में आई है उसकी रफ्तार जो है वो पहले से बहुत तेज है। अब देखते हैं क्या होता है, हमारी स्वास्थ्य सुविधाएं कितना इस रफ्तार का सामना कर पाती हैं, और वैक्सीन लोग लगवा रहे हैं लेकिन अभी कुछ केंद्र और राज्य के बीच में विवाद भी चल रहा है कि वैक्सीन की सप्लाई नहीं हो पा रही है। तो आप न्यूज़पेपर पढ़ते रहें, ठीक है। बाकी जो यहाँ पर टॉपिक्स आएंगे उनको हम डिटेल में देखते जाएंगे। यहाँ पर बताया गया GDP ऋण अनुपात क्या होता है, ठीक है। और देखिए, GDP ऋण अनुपात क्या होता है, इसमें बताया गया कि जब ऋण और GDP का अनुपात कम होता है तो इसका मतलब होता है कि देश माल और सेवाओं का उत्पादन और बिक्री करता है जो कि आगे ऋण वापस भुगतान करने के लिए पर्याप्त है। देखिए, यहाँ पर इसको छोड़ दीजिए, अभी जो मैंने आपको बताया था उस कॉन्सेप्ट को याद रखिए, ठीक है, इसमें उलझना नहीं है। आगे चलते हैं, इंडियन प्रीमियर लीग का 14वां संस्करण शुरू हुआ। अब आपने देखा, ये बहुत अजीब, लोगों के मन में हज़ारों सवाल ये पैदा करता है कि IPL हो सकता है, ठीक है। IPL के अलावा और बहुत कम खेल होंगे जो हो, क्योंकि IPL पिछली बार भी हुआ था और इस बार भी हो रहा है जबकि कोरोना की लहर बहुत तेज है। नेताओं की रैली हो सकती है, हो सकती है, बंगाल में आप देख रहे होंगे, असम में देख रहे होंगे, हर जगह रैली चल रही है, सब कुछ हो सकता है। लेकिन बच्चों की पढ़ाई बंद कर दी जाएगी, क्लास 8 तक का स्कूल पिछली बार भी बंद था, पूरा एक साल बंद रहा, और इस बार भी कोई उम्मीद नहीं है क्योंकि सारे स्कूल कॉलेज फिर से बंद हो रहे हैं। मतलब बच्चों की पढ़ाई बंद हो जाएगी लेकिन IPL है, रैली वगैरह ये सब चलती रहेगी, ये सवाल लोगों के मन में पैदा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर मुख्य बात ये है कि अगर COVID-19 है वास्तव में, क्योंकि लोग सवाल ये भी कर रहे हैं कि शायद कोरोना है ही नहीं, लोग सरकार ऐसी पागल बना रही है, जहाँ चुनाव है वहाँ कोरोना क्यों नहीं है। लोग आप अपने आसपास में अपने दोस्तों के साथ आप ऐसे सवाल देखते होंगे। तो IPL का यहाँ पर 14वां संस्करण शुरू हुआ, वास्तव में तो IPL भी नहीं होना चाहिए और बाकी सारे खेल बंद हो गए, सिर्फ क्रिकेट ही क्यों शुरू मतलब होता है, पिछली बार भी हुआ, इस बार भी हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे सवाल भी हैं। अब यहाँ पर देखें, 9 अप्रैल 2021 को IPL का 14वां संस्करण शुरू हुआ और इसका जो पहला मुकाबला था IPL 14 का, ये रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस के बीच में हुआ। ये कहाँ गया, हाँ यहाँ पर, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस के बीच में हुआ और पहले की तरह मुंबई इंडियंस इसमें हार गई, RCB यहाँ पर जीती, ठीक है। इस बार ये IPL में स्टेडियम में दर्शकों के आने पर पाबंदी है, दर्शक नहीं आएंगे, वो लोग अपना मोबाइल पे या TV पे इस मैच को देख सकते हैं, ठीक है। तो IPL क्या है कि ये इसकी जो पहली शुरुआत हुई थी पहले सीज़न की वो कब हुई थी, 2008 में हुई थी, 8 टीमें इसमें हिस्सा लेती हैं और मुंबई इंडियंस अब तक सबसे ज़्यादा बार जीत चुकी है। कितनी बार मुंबई इंडियंस जीती है, 5 बार, ठीक है, IPL का खिताब 5 बार मुंबई इंडियंस जीत चुकी है। और IPL में सबसे ज़्यादा रन बनाने का यहाँ पर रिकॉर्ड किसके नाम है, तो वो है विराट कोहली के नाम। विराट कोहली किस टीम से खेलते हैं, तो RCB रॉयल चैलेंज बेंगलुरु से खेलते हैं, 5,878 रन विराट कोहली के नाम है। जबकि अगर विकेट की बात करें तो सबसे ज़्यादा विकेट किसने लिए हैं, 170 विकेट लसित मलिंगा ने लिए हैं, ठीक है। कौन कौन सी टीमें हैं जो इसमें पार्टिसिपेट करती हैं, तो आप यहाँ पर एक बार देख लें, चेन्नई सुपर किंग्स, दिल्ली कैपिटल्स, कोलकाता नाइट राइडर्स, यहाँ पर ये जो नाइट है ना वो KNIT है, नाइट का मतलब योद्धा, ठीक है, KNIGHT। आगे देखिए, मुंबई इंडियंस, पंजाब किंग्स, राजस्थान रॉयल्स, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और सनराइजर्स हैदराबाद, ये टीमें हैं जो इसमें पार्टिसिपेट करती हैं। आगे चलें, वजोसा उस्मानी कोसोवो के सबसे युवा राष्ट्रपति ने पद ग्रहण किया, ठीक है। कोसोवो यहाँ की सबसे युवा राष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण किया, उनका नाम क्या है, वजोसा उस्मानी, क्या नाम है, वजोसा उस्मानी सदरी, यहाँ पूरा नाम दिया गया है। इन्होंने कोसोवो के नए राष्ट्रपति के रूप में अपना पदभार ग्रहण किया। इनकी उम्र कितनी है, बस बहुत ज़्यादा नहीं, 38 वर्ष, ठीक है, 38 वर्ष।
क्योंकि ये पद के हिसाब से उम्र यहाँ पर देखी जा रही है। वैसे तो 38 वर्ष बहुत है, ठीक है, लेकिन अगर पद की बात करें प्रेसिडेंट का पद, तो अभी इस उम्र में प्रेसिडेंट का पद अभी तक किसी ने धारण नहीं किया है, ठीक है, तो यहाँ पर ये ध्यान रखना है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन की ओर। पटना से उत्तरी बिहार को जोड़ने वाला 4 लेन ब्रिज का निर्माण कार्य किस वर्ष तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है? तो अभी अभी हमने देखा था, जो हमारा पहला टॉपिक था, इसका निर्माण 21 सितंबर 2020 को शिलान्यास किया गया था और 2024 तक इस पथ को या इस ब्रिज को पूरा कर लिया जाएगा। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या होगा? 2024। क्लियर, ऑप्शन सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जल जीवन मिशन की समयावधि क्या है? तो जल जीवन मिशन की जो समयावधि है 2019 में शुरू हुआ था और 2024 तक ख़त्म करने का यहाँ पर प्रयास किया जाएगा। उद्देश्य क्या है? कि हर घर को यहाँ पर नल के कनेक्शन से जोड़ दिया जाए। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन। IMF के अनुसार GDP के अनुपात में भारत का कर्ज बढ़ करके कितना प्रतिशत हो गया है? 40, 50, 70, 90%। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 90%। क्लियर। हाल ही में IPL के कौन से संस्करण का प्रारंभ हुआ? 12वें, 13वें, 14वें, 15वें। तो इसका जो संस्करण है वो है 14वां संस्करण। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन। वजूसा उस्मानी जो सबसे युवा राष्ट्रपति के रूप में पद ग्रहण किया, किस देश से संबंधित है? मालडोवा, कोसोवो, हैती, फिलीपींस। तो इसका सही आंसर क्या होगा? कोसोवो। ठीक है, तो दोस्तों ये रहा आज का वीडियो। आई होप कि आपको अच्छा लगा हो और प्लीज़ वीडियो को शेयर करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्माइलिंग।